हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से ड्राइंग मास्टर के रिजल्ट को लेकर सचिवालय पहुंचे ड्राइंग टीचर या फिर ड्राइंग संघ कह सकते हैं, बेरोजगार संघ आप उनको कह सकते हैं। तो एक बार फिर से वो पहुंचे हमारे सचिवालय 980 पोस्ट कोड के पेंडिंग रिजल्ट को लेकर भी क्या बात हुई और रोहित ठाकुर जी ने क्या आश्वासन दिया और हिमाचल प्रदेश में खाली पड़े पदों पर क्या उनकी मांग थी जो ड्राइंग टीचर थे, क्या वो भरे जाएं, उनके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक जो है बात करेंगे। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल सके। जितनी भी जॉब से रिलेटेड जानकारी होती है वो आपको सबसे पहले हमारे चैनल के थ्रू दी जाती है। तो हम बात करें हमारे एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम ग्रुप के बारे में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। वहाँ पर फर्स्ट प्राइज 25 रुपीज़ और सेकंड प्राइज 10 रुपीज़, थर्ड प्राइज 5 रुपीज़, फोर्थ प्राइज 5 रुपीज़, उसकी पूरी जानकारी आपको हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम ग्रुप में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, वहां पर मिल जाएगी। आप एग्ज़ाम दीजिए, हम हफ्ते के 3 एग्ज़ाम लेते हैं। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो आपको हर एग्ज़ाम पे प्राइज जो है दिया जाता है। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको पूरी जानकारी जो है हमारे ग्रुप में ही मिल जाएगी। आप डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं और स्टडी मटेरियल भी आप पा सकते हैं। तो ड्राइंग मास्टर के रिजल्ट को लेकर सचिवालय पहुंचे बहुत सारे अभ्यर्थी और उनको क्या आश्वासन दिया गया, और आपको पता ही होगा कि शिक्षकों की भर्तियों को लेकर बहुत सारा प्रस्ताव जारी किया जा रहा है, बट जो आज कैबिनेट मीटिंग होनी है उस पर कोई भी ऐसी बात नहीं की जा रही है कि जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो जितनी भी भर्तियां हैं उनको लेकर। तो अभी बात करें तो पेंडिंग रिजल्ट को लेकर, यानी 980 का जो पेंडिंग रिजल्ट है विजिलेंस की इंक्वायरी में है और FIR इसमें दर्ज है, तो उसको लेकर जो है अभी आश्वासन दिया है रोहित ठाकुर ने, जल्द ही इसका रिजल्ट जो है घोषित किया जाएगा। और लोगों की जो भी ड्राइंग टीचर की मांग थी, उनकी मांग ही सिर्फ ये ही थी कि जो जितने भी अभ्यर्थी उसमें पकड़े गए हैं लीकेज मामले में, सिर्फ उन्हीं को ही सज़ा दी जाए और हमारा रिजल्ट ख़राब ना किया जाए, हमारे रिजल्ट को जल्द से जल्दी निकाला जाए। और ड्राइंग मास्टर टीचर की और भी मांग थी कि हिमाचल प्रदेश में आप सभी को पता ही है कि एक कंडीशनल ज्वाइनिंग इसमें लगा दी गई है कि ये कंडीशन की तैयार की गई है ड्राइंग मास्टर ड्राइंग टीचर के लिए, टीचर के लिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अगर जो स्कूल है उसमें बच्चों की संख्या 100 से कम है तो वहाँ पर टीचर जो है नहीं रखे जाएंगे, तो वहाँ पर जो है उसको टीचरों की संख्या जो है घटा दी जा रही है। उस कंडीशन को 100 छात्र, आपको पता ही होगा कि हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसे गांव हैं वहाँ पर जो बच्चों की संख्या है बहुत सारी कम है, बल्कि हज़ारों ऐसे स्कूल हैं वहाँ पर बहुत सारे टीचरों की जो वैकेंसीज है अभी खाली है। तो मान लीजिए हज़ारों स्कूलों में जो है ड्राइंग टीचर की जो पोस्टें हैं वो लगभग 1000 के करीब खाली हैं, बट उन स्कूलों में स्ट्रेंथ ना होने के कारण एक कंडीशन लगा दी गई है जो कि 100 छात्रों की है, उसके लिए जो है जो टीचर रिक्वायर है तो वहाँ पर जो सैंक्शन किया गया है कि अगर 100 छात्र होंगे तभी टीचर को वहाँ पर रखा जाएगा। इसके बारे में जो है बात की जा रही थी रोहित ठाकुर जी के साथ कि इस कंडीशन को हटाया जाए। और ऐसे ही अगर बात की जाए तो हमारे जो पुरानी जो भर्ती थी जो कि बैच वाइज हो रही थी, जिसमें जो 8 पोस्ट जो है बैच वाइज में रह गई है, उसको भी जोड़ा जाए ड्राइंग मास्टर की आने वाली जो जितनी भी भर्तियां रहेंगी एजुकेशन डिपार्टमेंट में उसमें जो है जोड़ा जाए। तो यही आज की पूरी खबर थी जो ड्राइंग मास्टर के जो रिजल्ट को लेकर, तो अभ्यर्थियों को रोहित ठाकुर जी ने जो कि शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने आश्वासन यही दिया है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो ज़रूर से लाइक करें, अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर से कमेंट करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।